आज हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, पार्ट 8 ले रहे हैं आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। इसमें हम आज सेल के बारे में पढ़ेंगे, देन व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ईएमएफ क्या है, टीपीडी क्या है और फैक्टर्स किसके ऊपर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इन पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ सेल। मेनली सभी लोग क्या सोचते हैं कि सेल क्या है हमारे पास, जो चार्ज को प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ सेल। नो, दैट इज़ नॉट द केस। सेल क्या है आपके पास, ये एक ऐसी डिवाइस है जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं सेल के, उन सबको क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मान लो आपके पास ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, और इसमें से ये कोई वायर है, उसमें से मान लो करंट जा रहा है। तो सेल क्या चीज़ है, सेल एक ऐसी डिवाइस है विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। सेल एक ऐसी डिवाइस है जो कि जितने भी कंपोनेंट लगे हैं सेल में, उन सबको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट डोंट प्रोड्यूस चार्ज, चार्ज को ये प्रोड्यूस नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर जो भी चार्ज है, सेल मेंटेन करेगा एक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, आगे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जो चार्ज होगा उसको सर्किट में क्या करवाता है, मूव करवाता है। सेल क्या करता है, सेल मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस। जहाँ पे तो एक पोटेंशियल डिफरेंस ही इसने क्रिएट किया, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है। सेल मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस विच फोर्स चार्ज और इलेक्ट्रॉन टू मूव इन अ सर्किट। नेक्स्ट आपके पास जैसे आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करेगा, ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब सेल में वैसे होता क्या है, अगर हम सिंपल से किसी सेल की बात करते हैं, मान लो ये एक सेल है, तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स कोई कंडक्टिंग सोल्यूशन होगा विच कंडक्ट करंट। देन यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। एक पे आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा, एक पे क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज वाले को हम क्या बोलेंगे, एनोड। पॉजिटिव वाले को क्या बोल दोगे आप, कैथोड। एनोड है जो, उस पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या हो जाएगी हमारी, रिडक्शन। और इन दोनों के कम्बिनेशन को हम क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन विच टेक्स प्लेस। यहाँ पे मान लो कोई इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लग रखा है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है वैसे, कि हमारे पास अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना चाहिए। बट क्या होता है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है, जो उससे इतनी एनर्जी ले लेता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको ये क्या कर जाता है, ओवरकम कर जाता है, जिसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ ना जाके कहाँ जाता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। फिर यहाँ पे ये अपनी एनर्जी लेके सारी कंज्यूम कर देता है, यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है, फिर वापस आता है, सर्किट कंप्लीट करता है, फिर जहाँ से एनर्जी लेता है, फिर जाता है, इसको एनर्जी कंज्यूम कर देता है, फिर वापस आता है। इस तरह ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आती है जो, दैट इज़ ईएमएफ, दैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। अब ये जो दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं, ये दो क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि मेटल रोड के बने होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स और टर्मिनल्स, दोनों इलेक्ट्रोड और टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कब, When no current flows through it, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, और when it is connected in an open circuit,
या फिर भी ये क्या है, ओपन सर्किट में कनेक्ट हो रखा है, जब सेल को आप यूज़ नहीं कर रहे, मतलब जैसे हम बैटरी कोई सेल लेके आए, मान लो 1.5 वोल्ट की है, आप कोई बैटरी ले आए बाज़ार से, तो उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जब हमने उसको कोई भी करंट प्रोवाइड नहीं किया, जब हमारा वो सेल यूज़ में नहीं है, हमने उसको किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं डाला, मान लो रिमोट के सेल ख़त्म हो गए, उसमें हमने इसको डालना था, तब जब वो यूज़ में नहीं है, दैट इज़ EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि उसके दो इलेक्ट्रोड्स या टर्मिनल के अक्रॉस है, जब हम उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, दैट इज़ अवर EMF, दिस इज़ अवर EMF, पोटेंशियल ड्रॉप, जहाँ पे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये इसका ओपन सर्किट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है, कोई भी रुकावट या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो कि ऑफर हो रही है जब करंट हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है, सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, बट उसके पाथ में जब कोई रुकावट आती है, वो किसके कारण आई, अगर मान लो वो इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल के कारण आ रही है, ठीक है, ड्यू टू मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल, दैट इज़ नोन एज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू पाथ ऑफ करंट ड्यू टू मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल, जो भी रुकावट आई, या फिर आप क्या कह सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सेल व्हेन इट इज़ इन यूज़, जब हम सेल को यूज़ कर रहे हैं, तब जो भी सेल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सेल व्हेन इट इज़ इन यूज़, जब हम सेल को यूज़ कर रहे हैं, तब रेजिस्टेंस कितना है। अब फैक्टर्स जिनके ऊपर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड, फर्स्ट ये किस पे डिपेंड करता है, हमारा एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स का एरिया कितना है, सेकेंड गैप कितना है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, थर्ड ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स का नेचर कैसा है, फोर्थ ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है, जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, उसका नेचर कैसा है, जिन चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। देन आता है हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नेम से ही क्लियर हो रहा है कि जो पोटेंशियल हमारा टर्मिनल्स के अक्रॉस होता है, जब हम सेल को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, द पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल होते हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, कब, व्हेन इट इज़ इन यूज़, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपको प्रूफ करना है कि हमारे पास ई है जो, वो किसके इक्वल है, वी प्लस आई आर के। पहले इसके लिए हमें एक सर्किट लेना पड़ेगा, हमेशा जो EMF होती है उसको और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। मान लो जहाँ पे हमारे पास कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, ये ई है आपका, ये स्मॉल आर है, एक सेल है, ठीक है, लेट अ सेल हैविंग EMF, ये प्रूफ करना है हमें, एक सेल है उसकी EMF है मान लो ई, और उसको कनेक्ट कर रखे हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से, जहाँ हाई टू लो पोटेंशियल हमारा करंट फ्लो करेगा, आई आर है यहाँ पे, यहाँ पे भी आई जाएगा, अगेन आई यहाँ से वापिस आ जाएगा, लेट आई इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास EMF है अपॉन में जो ये दोनों रेजिस्टेंस है, दैट इज आर प्लस आर, आगे ई जहाँ से क्या हो जाएगा, आई आर प्लस आई इंटू आर इज इक्वल टू ई, बट वी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई आर के इक्वल, सो आई आर प्लस वी इज इक्वल टू ई, और आई आर इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ई माइनस वी, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है माइनस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और ई इज इक्वल टू आई आर प्लस वी।
थैंक यू।